शुरुआत हो गई है एक नई ट्रिप की। हम जा रहे हैं इस टाइम थाईलैंड। मैं हूँ अभी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे टर्मिनल 3 पे। चेक इन हमने कर लिया है, बोर्डिंग पास ले लिए हैं, इमिग्रेशन भी क्लियर हो गया है और सिक्योरिटी चेक भी हो गया है। हम आ गए हैं एयरपोर्ट के अंदर। हमारी फ़्लाइट है वो है यहाँ से विस्तारा एयरलाइंस की। डिपार्चर टाइम है 8:25 का और अभी टाइम हुआ है 7:45, यानी कि लगभग 45 मिनट के बाद में हमारी फ्लाइट डिपार्चर का टाइम हो जाएगा। तब तक क्या आपको दिखाते हैं यहाँ पे एयरपोर्ट के नज़ारे। फ़्लाइट टिकट हमने बुक की थी विस्तारा एयरलाइन से। ये टिकट हमने लगभग 1 महीने पहले बुक की थी और बहुत महंगी टिकट है यार। अगर आप कंपेरिजन करोगे कोविड से पहले का तो उस टाइम पर लगभग 12-13 हज़ार रुपये की टिकट मिल जाती थी आना और जाना। अभी हमने ये टिकट बुक की थी 21,500 रुपये की, तो ठीक है, थोड़ी कॉस्टली है लेकिन विस्तार एयरलाइंस है, इंडिया की टॉप एयरलाइंस में से एक है। देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। डोमेस्टिक में तो बहुत ट्रैवल करा है विस्तार एयरलाइंस से, लेकिन इंटरनेशनल में ये पहली फ्लाइट है हमारी जो हमें दिल्ली से बैंकॉक ले जाएगी। बैंकॉक में आपके 2 एयरपोर्ट हैं, एक है डॉन म्योंग जो कि डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, लेकिन अगर आप जाते हो इंडिया वगैरह से तो कुछ फ्लाइट्स वहाँ पर लैंड करती हैं। जैसे अगर आप एयर एशिया में ट्रैवल करते हो तो वो आपको ले जाएगी डॉन म्योंग पे। बाकी जो एयरलाइंस हैं विस्तारा हुई, एयर इंडिया हुई, ये आपको ले जाएंगे सुवर्ण भूमि एयरपोर्ट पे, जो कि वहाँ का मेन एयरपोर्ट है और काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है। इमिग्रेशन हुआ था वहाँ पे ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछे नहीं, ये पूछा बस कि कहाँ जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो। यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा रिटर्न के फ्लाइट टिकट और कोविड सर्टिफिकेट। याद रखिए कि आपकी अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हैं, आपकी दोनों डोज लग चुकी हैं और जो सेकेंड डोज आपकी है वो 14 डेज के पहले की होनी चाहिए। जैसे अगर आप ट्रेवल कर रहे हो 1 तारीख को तो आपकी जो सेकेंड डोज है कोविड की वो लगी होनी चाहिए 14 दिन पहले की, यानी कि 16 तारीख। अगर आपने 16 तारीख के बाद की लगवाई हुई है, यानी कि अगर आपका जो टाइम है वो 14 डेज के अंदर है, तो आपको एक एटी के टेस्ट करवाना पड़ेगा यहाँ पे आकर के। एजन टेस्ट का जो यहाँ पे प्राइस था जो करवाया है वो है 450 रुपये का। खैर मेरा तो दोनों दो डोज लगी हुई हैं, लेकिन अगर किसी की नहीं लगी हुई है तो आपको यहाँ पे एटी के टेस्ट करवाना पड़ेगा। आपको 450 रुपये देने पड़ेंगे और विदिन 15 से 20 मिनट आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा, तो आप जो है बोर्डिंग कर पाएंगे, अदरवाइज़ आपको बोर्डिंग करने नहीं देंगे। टाइम हुआ है 7:40, हमारी बोर्डिंग हो गई है शुरू। अब आपको हम ले चलते हैं अंदर सीधा। वो सामने जो फ्लाइट दिख रही है वही है हमारी, ये हमें दिल्ली से बैंकॉक लेकर के जाएगी। फिनियर फिनलैंड की। फाइनली बैंकॉक के स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट पे हमारा स्वागत हो चुका है। फ्लाइट टाइम से लैंड कर गई थी, अब हम जा रहे हैं इमिग्रेशन के लिए। किसी भी ट्रैवल का ना, इंटरनेशनल ट्रैवल का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है वो होता है इमिग्रेशन। हल्का सा डर भी लगता है कि क्या होगा वहाँ पे, क्या पूछेंगे,
लेकिन देखते हैं क्या होता है। वीज़ा हमने ले लिया है, हमने लिया है वीज़ा ऑन अराइवल। यहाँ पे ना मेनली दो तरह के वीज़े होते हैं, एक तो आप जो स्टिकर वीज़ा होता है वो आप दिल्ली से ही अपने, जो अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो आप इंडिया से लगवा करके आओ, और एक होता है वीज़ा ऑन अराइवल जो आपको यहीं पे लेना पड़ेगा। दोनों के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, अलग अलग फॉर्मेलिटी होती है। बाकी डॉक्यूमेंटेशन क्या है, फॉर्मेलिटी क्या है, इसके बाद में बात करेंगे डिटेल में एक बार। और यहाँ पे दो काउंटर होते हैं, एक तो नॉर्मल होता है वीज़ा ऑन अराइवल के लिए, एक होता है एक्सप्रेस वीज़ा लाइन। 200 बात एक्स्ट्रा फीस लेते हैं एक्सप्रेस लाइन के लिए, लेकिन काम जल्दी आता है। जैसे हमारा जो वीज़ा है वो लग गया है 15 मिनट के अंदर। बाकी क्या डॉक्यूमेंटेशन है, क्या फॉर्मेलिटी है, ये मैं आपको बताता हूँ होटल जाकर के। अब हम जा रहे हैं यहाँ से पटाया, बैंकॉक स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट से पटाया की जो दूरी है वो लगभग 180 किलोमीटर के आसपास है, और 2 घंटे का टाइम लगता है। जाने के लिए हमारे पास में 2 ऑप्शन हैं, या तो आप टैक्सी बुक करें डायरेक्ट, या फिर यहाँ से जो बस चलती है वो पटाया जाती है सीधी। दोनों का किराया पहले तो बहुत ही कम हुआ करता था, आज से 3 साल पहले की बात है, कोविड से पहले जो बस का किराया था वो था 120 बात आई थिंक, और जो टैक्सी का किराया था वो 700 800 1000 बात में टैक्सी हो जाया करती थी। लेकिन एक बार देखते हैं कि क्या किराया है इस टाइम पे और किससे जाने फायदेमंद रहेगा। बाकी मैं आपको इसकी जानकारी देता हूँ। जैसे ही आप वीज़ा लगा के बाहर निकलोगे ना, आपको ये बोर्ड दिख जाएगा, यहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि आपको अगर बस पकड़नी तो कहाँ से मिलेगी, टैक्सी के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, मेट्रो ट्रेन के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा, सारी जानकारी दी हुई है इसमें। और पीछे आपको जो है ना दुकानें मिल जाएंगी, आपको अगर आपको सिम वगैरह चाहिए होती है तो उसके जो प्लान्स वगैरह हैं क्या है वो सारे पीछे लिखे हुए हैं। ये जो लाइन लगी है ना मेरे पीछे, ये टैक्सी के लिए लगती है। यहाँ पे क्या सिस्टम है कि आप जब उतरोगे ना तो पीछे आपको मशीन दिख रही है वेंडिंग वाली मशीन, ये यहाँ पे जाओगे वहाँ से टिकट लोगे तब टैक्सी आपको आएगी पिक करने।
ये टिकट दे दिए निकाल के, इसमें लिखा हुआ है लेन नंबर 35, यानी कि जो हमारी टैक्सी होगी वो लेन नंबर 35 पे आएगी। ये जी हमारी टैक्सी आ गई है, ये देखो लेन नंबर 35 लिखा था टिकट के ऊपर, लेन नंबर 35 के नीचे खड़ी होगी आकर के ये। आह